मनीष वाधवा एक प्रसिद्ध इंडियन एक्टर हैं जो कि 23 अप्रैल 1972 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। उनका बचपन दिल्ली में बीता था और वो वहाँ से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी पढ़ाई प्राप्त की। उनका स्टार्टिंग करियर थिएटर से शुरू हुआ था जहाँ उन्होंने कई प्रमुख नाटकों में भाग लिया। उनका टेलीविज़न पर प्रवेश 2002 में हुआ जब उन्होंने चाणक्य नामक टेली सीरियल में चाणक्य का किरदार निभाया। उसके बाद उन्होंने देव के देव महादेव में राजा दक्ष का किरदार किया जिससे उनका नाम टेली सीरियल दुनिया में फेमस हो गया। उनका कैरियर बॉलीवुड में भी चमक गया जब उन्होंने फिल्में जैसी पानीपत और बाजीराव मस्तानी में सेकंड लीड रोल किया था और ऐसे ही अपने एक्टिंग स्किल से फैंस का दिल जीतते रहे। अभी हाल ही में आई फिल्म गदर 2 में भी दिखाई दिए थे, विलन का रोल किया था। गदर 2 में उनका अपने जबरदस्त एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिए। और इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो मनीष वाधवा ने अपने शादी अंजू शर्मा से की थी और उनके 2 बच्चे हैं। अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और अपने अभिनय कार्य क्षेत्र में जीते हैं। ये थी मनीष माधवा की लाइफ स्टोरी और व्यक्तिगत जीवन की छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।